नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं इस सप्ताह का आपका भविष्यफल। हमारी राशि है मेष यानी एरीज। आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। शुरू के एक दो दिन छोड़कर उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो भी खासतौर से अगर कोई धन संबंधी मामला फंसा हुआ है तो वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को लेन देन कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज या और किसी तरह के उसमें इन्वॉल्व हैं, गैम्बलिंग में, किसी भी तरह गेमिंग या गैम्बलिंग दोनों में ही अगर इन्वॉल्व हैं तो ध्यान रखिएगा। शुरू के एक दो दिन में अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है कि आपका जो डिसीशन हो रॉन्ग हो और फिर आपको उससे हानि का भी झेलना पड़े। इसके अलावा सप्ताह बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जो पारिवारिक वातावरण है बहुत ही बेहतर रहने वाला है। परिवार में एक सामान्य जैसे देखने को मिलेगा, आपसी सौहार्द भी वहाँ मिलेगा। कुछ ऐसे मसले होंगे जिसे आप सब लोग मिलकर हल करना पसंद करेंगे और जो पहले कुछ बातें हो गई है इधर उधर और उनको लेकर थोड़ा सा भी अगर किसी के दिमाग में कोई भी अड़चन है, दिक्कत है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इससे बेहतर सप्ताह हो नहीं सकता। आर्थिक क्षेत्र में जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए धन के मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप बैंक या किसी ऋण संस्थान आदि से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उस दिशा में प्रयत्नशील हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं और उसके लिए एग्जाम या इंटरव्यू या और कुछ प्लेसमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। परिवार के साथ यात्रा हो सकती है, ये किसी पर्यटन स्थान की भी हो सकती है और धार्मिक स्थान की भी हो सकती है, और इस यात्रा से भी आपसी सौहार्द और प्रेम बहुत बढ़ेगा। कुल मिलाकर बेहतरीन सप्ताह है और इस सप्ताह का आपको लाभ उठाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं वृष राशि की यानी टॉरस की, और आपका ये सप्ताह कैसा होने वाला है। इस बार आपकी जो ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है तो उससे आपके मन में काफ़ी उत्साह रहेगा, मनोबल आपका ऊँचा रहेगा और आप वो सारे डिसीजन निर्णय लेने का मन बनाएंगे जो आपने पीछे कई समय से लेना तो चाह रहे थे लेकिन किसी कारण से वो ले नहीं पा रहे थे, या कोई एक झिझक थी, एक अनसर्टेनिटी थी, आप देखेंगे वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। हालांकि एक दो मामलों में थोड़ा सा उलझन रह सकती है लेकिन पूंजी निवेश संबंधी जो भी योजनाएं हों उन पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए या तब तक उस पर अपनी तस्दीक नहीं देना चाहिए, उसको यस नहीं करना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं। मित्र शुभचिंतकों का बड़ा सहयोग बना रहेगा और उनके सहयोग से भी बहुत सारे आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। कार्य से संबंधित यात्रा का योग प्रबल है और इस योग के कारण आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा बल्कि विवाह का योग बन रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि घर में, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है, और अगर आप जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, वाहन आदि खरीदने के इच्छुक हैं, तो इस दिशा में भी आप निर्णय ले पाएंगे और आसानी से एक सुखद माहौल चारों तरफ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। हम बात करने जा रहे हैं मिथुन यानी जैमिनी राशि की। यहाँ पर थोड़ा सा पेच है, थोड़ा पेच यह है कि अगर उत्साहित होकर बिना सोचे समझे आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे तो फिर आपको आगे चलकर कठिनाई हो सकती है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। और ये निर्णय भी खासतौर से अगर धन से संबंधित हैं या कोई ऐसा वसीयत करना है या कोई और कोई एग्रीमेंट करना है, कोई ऐसा कोई हो जो आपके लिए बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो और उसको आप किसी के भरोसे पर या बिना सोचे समझे या बिना पढ़े लिखे, बिना किसी सही व्यक्ति की राय दिए
अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपके फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, रिस्क लेने से हानि हो सकती है, अदरवाइज ये सप्ताह अच्छा है। जितना करेंगे उतना अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और हम समझते हैं कि जब हम जितना करें उतना अगर हमें मिल जाए तो हम उसको भाग्य बोलते हैं, और आदमी इतना कर ये बहुत मिल जाए वो तो महाभाग्य होता है। तो महाभाग्य की बात तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन इतना निश्चित है कि जो भी आप प्रयत्न करेंगे वो प्रयत्न आपके निष्फल नहीं जाएंगे। हाँ, उसमें थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, थोड़ा रुकावट भी आ सकती है, बट उसे आप बढ़िया से मैनेज कर लेंगे। और मित्र शुभचिंतकों का आपको काफ़ी सहयोग बना रहेगा, और उनके सहयोग से भी जो कार्य हैं आपके, जो कठिन हैं, वो आसानी से संपन्न होंगे। तो थोड़ा कठिन सप्ताह है, लेकिन अगर आप भी मजबूत रहेंगे तो बात बनेगी। अब बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की, यानी कैंसर की। बेहतरीन सप्ताह है और मनमाफिक कार्य बनेंगे। जो भी आपके मन की योजनाएं हैं, जो भी आपके एम्बिशियस प्लान हैं, महत्वाकांक्षी योजनाओं पे आप जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो, तो उस तरह के सहयोग में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वो सहयोग आपको ऑटोमेटिक या कम प्रयासों के आपको प्राप्त होगा। और इस सिलसिले में यात्राएं भी करना पड़ेंगी, और इन यात्राओं के परिणाम आपको काफ़ी माकूल या बहुत लाभदायक प्राप्त होंगे। नए संपर्क भी स्थापित होंगे, और ये नए संपर्क आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। इन संपर्कों का आप लाभ वर्तमान में भी उठा सकते हैं और आगे चलकर भी उठा सकते हैं। अगर किसी नई योजना में प्रवेश करने का मन है या प्रयास कर रहे हैं, तो उस दिशा में आपको निस्संदेह सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विदेश में नौकरी की तलाश में हैं, या व्यवसाय के इच्छुक हैं, या एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वो आपके सारे काम बहुत आसानी से संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला सप्ताह सिद्ध होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की, यानी लियो राशि की। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, और नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से स्थितियां बहुत उत्तम होने वाली हैं। वर्तमान नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से भी समय अच्छा है। वर्तमान व्यवसाय में सुखद स्थितियां निर्मित होंगी, और अगर आप कोई नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं, या किसी नई एसोसिएशन में आप सम्मिलित होना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यात्राएं भी करना पड़ेंगी, लेकिन ये यात्राएं कार्यवश यात्राएं होंगी, और इन यात्राओं के परिणाम आपके लिए काफ़ी सुखद रहेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। परिवार में कोई अच्छा कार्य भी संपन्न हो सकता है, विवाह भी हो सकता है, जमीन जायदाद संबंधी कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, वाहन खरीदने का योग भी बना हुआ है। बच्चों का प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप खुद एग्जाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विवाह की दहलीज पर हैं, उनके लिए विवाह का कॉल भी आने वाला है, उसका कॉल लेटर भी समझिए आने वाला है। तो कुल मिलाकर ये एक उत्साहवर्धक सप्ताह है, जो आपको काफ़ी बिजी रखेगा, और आप अति व्यस्त भी रहेंगे, और इस दौरान आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा, और ये संपर्क बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। हम बात करते जा रहे हैं कन्या राशि की, यानी वर्गो राशि की। भाग्य का सहयोग बना रहेगा, और हम ऐसा मानते हैं कि जब भाग्य साथ देता है तो फिर अटके हुए काम, रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम आसानी से बन जाते हैं, तो फिर उसमें हमको कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। और भाग्य जब साथ दे तो जिन लोगों को हम जानते हैं वो तो काम आते ही हैं, जिनको नहीं जानते वो भी काम आ जाते हैं, तो ये भी एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और आपका जो कम्युनिकेशन है उसके तो उस दायरे का बड़ा विस्तार होगा, और उसमें आप देखेंगे कि आपके जो संपर्क का विस्तार हो रहा है, दायरा बढ़ रहा है, वो आपका जो जिन लोगों के साथ आप संपर्क में आ रहे हैं वो हो सकता है कि आपसे थोड़ा ऊंचे लेवल के हों, तो ये संपर्क बड़े बराबरी के आपके लिए सिद्ध होंगे,
और इनसे आपको बहुत लाभ होगा। निकटस्थ स्थान की यात्राओं का योग बना हुआ है, तो ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगी। और जो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन स्किल, इसका कमाल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप तो देखते रहते हैं, आपके जो आसपास लोग हैं उनको भी कमाल देखने को मिलेगा कि किस तरह से आप बिगड़ी हुई बाजी को अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो यह भी एक स्थिति आपके पक्ष में देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर एक अच्छा सप्ताह है जहाँ पर स्थितियाँ अपने आप आपके पक्ष में बनेगी और आपके पराक्रम में वृद्धि भी होगी। हम बात करने जा रहे हैं तुला की, यानी लीब्रा की। इस सप्ताह आपको थोड़ा मिश्रित फल प्राप्त होंगे। कुछ कार्य जो बनेंगे वो तो आसानी से बन जाएंगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेंगे, वो कार्य आसानी से आपके संपन्न हो जाएंगे। लेकिन कुछ कार्य हैं जो तमाम प्रयत्नों के बाद, तमाम सहयोग के बाद, तमाम कोशिशों के बाद उस तरीके से बिल्कुल नहीं होंगे जिस तरह से आप करना चाहते हैं। और इसमें अगर आप कुछ ज़्यादा जोर लगाएंगे या कोई और तरीका तिकड़म लगाएंगे तो तिकड़म काम नहीं आएगा। तिकड़म अच्छा होता है, हम लोग तो जुगाड़ में काम चला देते हैं, तो कई बार ग्रह साथ देते हैं तो जुगाड़ काम करता है, लेकिन यह जुगाड़ काम नहीं करेगा। जो भी बात बनेगी सिस्टम से बनेगी। तो जब भी आपको लगे कि ये कोई समस्या है और इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा और आप फिर जुगाड़ के चक्कर में ना पड़िएगा, जुगाड़ आपको उल्टा फंसा सकता है। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो निस्संदेह आपका कार्य बनेगा और कार्य बनने से फिर आपके समस्याओं का हल भी प्राप्त होगा। जो आपका रुका हुआ धन है उसको प्राप्त करने के लिए भी आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है, जो भी उचित कार्रवाई आपकी ओर से होना चाहिए, चाहे वो लीगल हो या अदरवाइज हो, उसका उपयोग करना चाहिए। उसको उपयोग करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपके कार्य वहाँ से आसानी से बनना शुरू हो जाएंगे और डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स का, वेल विशर्स का पूरा सपोर्ट आपको बना रहे। और अब हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के साथ यह सप्ताह कैसा होने वाला है। ये सप्ताह बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है, बहुत सारे ग्रह जो हैं वो आपके साथ या आपकी राशि के साथ एक कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। और जब भी ग्रह राशि के साथ कनेक्टिविटी बनाएं तो वो समय बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर नई साझेदारी हो सकती है, नई एसोसिएशन हो सकती है, नई पार्टनरशिप हो सकती है, नए लोगों के साथ लॉन्ग टर्म कोई योजना है उस पर आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और कार्य से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं देश में भी हो सकती हैं और देश के बाहर भी हो सकती हैं। तो उस सारे तरीके से यह सप्ताह बहुत अच्छा है। इसमें निस्संदेह आप देखेंगे कि आपके सम्मान, इज्जत और सम्मान में काफ़ी फ़र्क आएगा, बेहतर होगा। जो लोग सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनके लिए ये सप्ताह विशेष रूप से बहुत अच्छा है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, और अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और उसका निर्णय बहुत नज़दीक है या इस सप्ताह में होने को है, तो मान के चलिएगा कि इस सप्ताह में वो कार्य आपके पक्ष में आसानी से संपन्न हो जाएगा। अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है और इसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या क्या ना किया जाए, तो हम समझते हैं कि ये भी विवाह में परिणित हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा सप्ताह है और इस सप्ताह का आपको भरपूर लाभ भी उठाना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं धनु यानी सेगिटेरियस राशि की। आपकी राशि से यह एक अच्छा सप्ताह है। जो लोग कॉम्पीट करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिशन में हैं, या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आजकल तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, कोई संगीत का भी होता है, डांसिंग का भी होता है, मॉडलिंग का भी होता है, और भी किसी तरह के कॉम्पिटिशन में आप जा रहे हैं, या नौकरी के कॉम्पिटिशन में हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत आसानी से आपका कार्य संपन्न होगा और उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में है
उसका फैसला आने को है तो फैसला भी आपके पक्ष में रहेगा, बल्कि आपके पास ऑफर भी मिलेगा कि आउट ऑफ कोर्ट जाकर भी आप इसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक अच्छा सप्ताह है, पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, आपको परिवार में एक उत्सव का सा माहौल देखने को मिलेगा। परिजनों के साथ किसी पर्यटक स्थान पर या धार्मिक स्थान की यात्रा का योग भी बन रहा है, और ये यात्रा आप सबके लिए काफ़ी यादगार रहेगी, और इस यात्रा से एक आपसी समन्वय, इसको हम बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा, और ऐसी यात्राएं हम चाहते हैं कि होती भी रहना चाहिए। तो इस सप्ताह का लाभ उठाइए, एक अच्छा सप्ताह है। हम बात करने जा रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। जो लोग लेखन साहित्य कला संगीत सिनेमा आदि से संबंध रखते हैं, जिस जो भी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल होंगे। अगर कोई आपका प्रोजेक्ट कहीं पर रुका हुआ है या उस प्रोजेक्ट का अभी फैसला आने को है और किसी कारण से फैसला नहीं आया है, तो इस सप्ताह अगर वो फैसला आता है तो ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। बच्चों का प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, और वहाँ से जो खबर आएगी, न्यूज़ आएगी, वो काफ़ी उत्साहवर्धक रहेगी, और जिससे भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, खुशहाली भी रहेगा। परिवार में रेनोवेशन हो सकता है, कोई नया घर भी आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने का युग तो पक्का बना ही हुआ है। यात्रा भी करना पड़ेगी, यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसकी परिणति भी विवाह में होने की पूरी पूरी संभावना है। कुल मिलाकर एक ये उत्साहवर्धक सप्ताह है, और इसके परिणाम काफ़ी दूरगामी आपको मिलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ की यानी एक्वेरियस की। ये थोड़ा सा मिश्रित सप्ताह है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्य तो बनेंगे लेकिन कुछ उलझने भी बनी रहेंगी। कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसे मुद्दे जो डोमेस्टिक हैं, पारिवारिक हैं, जो अंडर द कारपेट दबा दिए जाते हैं या हम लोग बात नहीं करते, वो सडनली क्रॉप अप हो जाएंगे किसी न किसी कारण से। और जब भी कोई ऐसा मसला या मुद्दा उठता है तो वो वहीं ख़त्म नहीं होता, उसके साथ 25 बातें और समझ में आती, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तुमने किया, मैंने किया। तो इस तरह की एक स्थिति घर में हो सकती है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में। और ऐसी स्थिति में अगर आप तथागत रहेंगे, अगर आप अलग रहेंगे और आप अलर्ट रहेंगे और कॉन्शियस रहेंगे और उससे प्रभावित नहीं होंगे, और औरों के साथ, इस पार्टी के साथ या उस पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो फिर आप स्थिति को बहुत आसानी से नियंत्रण में कर सकते हैं। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि एक तो स्थिति डिफ्यूज़ हो गई, जो एक फ्लेयर अप हो सकती थी फ्लेयर अप नहीं होगी, और उसके बाद सारे लोग आपकी बड़े तहे दिल से प्रशंसा करेंगे कि भाई आपने तो कमाल कर दिया, मामला तो बिल्कुल हाथ से बाहर हो गया था और उसको कंट्रोल में नहीं ला सकते थे, लेकिन आपने जिस शिद्दत के साथ, जिस योग्यता के साथ, जिस अनुभव के साथ इसका हल किया, वो कमाल हो गया। तो ऐसा कीजिएगा, और कभी कभी अपनी बुद्धि का परिचय घर वालों को भी देना चाहिए। अब बात करने जा रहे हैं मीन राशि की। मीन यानी पाइसेस, बहुत ही बढ़िया सप्ताह है, आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। ये संबंध आपके लिए वर्तमान में तो उपयोगी सिद्ध होंगे ही, भविष्य में जाके भी इनके परिणाम आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। मित्र शुभचिंतकों का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा, और इस सहयोग से भी आपको काफ़ी लाभ होगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा, एवं परिवार में कोई मंगल कार्य संपन्न हो सकता है। यात्राएं बड़ी कॉमन हो जाएंगी, यात्राओं से भी आपको बहुत लाभ होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा, वर्तमान व्यवसाय में वृद्धि के योग बने हुए हैं, और कोई नया व्यवसाय भी प्रारंभ हो सकता है। जो लोग स्टार्टअप की तैयारी में है या विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए या पढ़ने के लिए, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये अच्छा सप्ताह है, और इस सप्ताह का आपको पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।